अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, खुदा की रहमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं हबीब पब्लिक कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अपने छोटे भाई को भी इसमें एडमिशन दिलाया जाए। तो ये तो एडमिशन के सीन्स देखेगा और फॉर्म वगैरह सबमिट करेगा, इंटरव्यू वगैरह होगा इसका, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको हबीब का विज़िट कराते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। जब हम हबीब पे एंटर होते हैं तो सबसे पहले ही आपको देखने को मिलेगा ये एक ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, जो कि प्राइमरी सेक्शन के लिए बनाया गया है। प्राइमरी सेक्शन की क्लासेस यहाँ पर है और ये फुटबॉल ग्राउंड अच्छा खासा बड़ा है। प्राइमरी सेक्शन की असेंबली वगैरह और गेम्स वगैरह यहीं पर होती हैं। उसके बाद आगे क्या है, आगे चल के बताते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये ऑस्ट्रोटर्फ आता है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, डिफरेंट स्कूल्स आते हैं और यहाँ पर हॉकी मैचेस होते हैं। अभी तो छुट्टियाँ चल रही है, इस वजह से आपको ये खाली दिख रहा है, वरना एनी टाइम जो है ना ये भरा होता है। बहुत प्यारा लगता है मुझे। ये ऑस्ट्रेलिया से ये ऑस्ट्रोटर्फ मंगाया गया, बहुत बड़ा है। हाँ भाई, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो भाई? जो पूछे सही तरह जवाब देना उसका, मेरी नाक नहीं कटा देना, ठीक है? चलो जाओ। इंटरव्यू दे के आ गए? यार कैसा दिया, कैसा दिया आपको? है हो जाएगा ना एडमिशन तो पक्का। चलो फिर अल्लाह खैर करे। यहाँ अंदर जो ये स्विमिंग पूल है यहाँ पर, और बिल्कुल इसके बगल में, इसके बाजू में यहाँ पर ये अंदर जिमनेजियम की पूरी बिल्डिंग है। तो भाई वजाहत कहाँ गया, कहाँ जाए पहले, स्विमिंग पूल में जाए या फिर जिमनेजियम में? जिमनेजियम में चलते पहले। चलो भाई, वजाहत की फरमाइश है कि जिमनेजियम में चलते हैं। हम जिमनेजियम के अंदर आ गए हैं। ये हबीब का जिमनेजियम है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। यहाँ पर बास्केटबॉल वगैरह, टेनिस वगैरह खेला जाता है और मैंने बहुत बार यहाँ खेला भी है। ये जो कुर्सी नज़र आ रही है ना, HPS लिखा हुआ, ये फोल्ड भी होती है और ये खुलती भी है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। अभी जिमनेजियम से निकल गए और फिर हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ। फाइनली हम स्विमिंग पूल के पास ही पहुंच गए। स्विमिंग पूल के रूल्स पढ़ ले पहले, स्विमिंग पूल को देखने से पहले। तो ये है हबीब का स्विमिंग पूल, 3 डाइविंग पैड लगे हुए हैं, ये छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। मुझे हबीब का स्विमिंग पूल बहुत प्यारा लगता है, करीब से दिखाता हूँ थोड़ा। यहाँ से पानी के अंदर उतरना है, ये सबसे डेप्थ का है और सबसे गहरा है ये, फिर उससे थोड़ा कम गहरा और वो सबसे छोटा, और उससे पीछे जो है ना, ये बच्चों के लिए एक और छोटा स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो हबीब का स्विमिंग पूल ऐसा है, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I guess that